हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस बीजीसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर। देन बात करेंगे आपका डिजिटल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके अलावा बात करेंगे व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर रिसीविंग द टीसीएस ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर, सबको डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना। तो बता दो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक चीज, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है टीसीएस के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को लेकर, मतलब ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। एक बार यूट्यूब पर सर्च करना पप्पू करियर गाइड टीसीएस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस, आपको मेरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे डिटेल में। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना आफ्टर रिसीविंग ऑफर लेटर। देखो, बीजीसी आप लोग इनिशिएट कर सकते हो आफ्टर रिसीविंग ऑफर लेटर, बट ज्वाइनिंग के बाद आपको कंप्लीट करना पड़ता है आपको अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक एंड अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टाइमलाइन रहता है 120 डेज का आफ्टर जॉइनिंग द कंपनी, बट आप लोग पहले कंप्लीट कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो अभी रिसेंटली मैं कुछ केंद्र पास कुछ इस तरह का मेल देखने को मिल रहा है फ्रॉम द टीसीएस टीम दैट टीसीएस बीजीसी वेरिफिकेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स ओके प्री सपोर्ट। ओके, आगे में क्या दिया गया है, डियर एसोसिएट रिमाइंडर टू है, ठीक है, टोटलाइजिंग 4 से 5 रिमाइंडर लोग सेंड करते हैं आफ्टर दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन। ओके, सो डियर एसोसिएट, वी आर राइटिंग टू दिस ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ टीसीएस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, काइंडली शेयर योर डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन टू क्लियर योर बीजीसी प्रोसेस नोट, इफ डिग्री एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज डिलेड बाय द कॉलेज काइंडली शेयर योर ऑनलाइन वेब कॉपी और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट स्टूडेंट लॉगिन डिटेल्स रिमार्क, इफ यू आर नॉट एट रिसीव द फाइनल ईयर रिजल्ट प्लीज मेंशन अकॉर्डिंगली। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मेल दे आर गोइंग टू सेंड यू दे फाउंड दैट यू आर नॉट अपलोडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, सो यू हैव टू, बहुत सारे पूछते हैं सर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, मैंने ये डॉक्यूमेंट मैंने मिसिंग था, मैंने रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो इन दैट केस आपको मेल करेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट रॉन्ग है, आपका ये डॉक्यूमेंट में वो करेक्ट नहीं है, आप फिर से अपलोड करो, तो कोई डरने की बात नहीं है। और इन दैट केस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा तो व्हाई यू आर नॉट रिसीव्ड योर फाइनल रिजल्ट एंड व्हेन यू आर सपोज्ड टू रिसीव, तो आपको इनको मेल रिप्लाई टू ऑल करना पड़ेगा। है तो अपलोड कर सकते हो दैट्स इट, नहीं तो फिर आपको जो है इनको मेल करना पड़ेगा और इनको शेयर करना पड़ेगा आपको डिटेल ताकि ये आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को कंप्लीट करे बिफोर योर ऑनबोर्डिंग। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी हल्के मत लेना, रिमाइंडर बहुत ज्यादा मैटर करता है ये मेल। ठीक है, क्योंकि अगर 1% भी अगर मान लो रिमाइंडर 3 के पास अगर मेल आना, रिमाइंडर 3 के बाद अगर मेल आना बंद हो गया तो आप लोग को वो ऑनबोर्डिंग नहीं करेंगे इन फ्यूचर, कभी नहीं करेंगे। तो प्लीज आप लोग अवॉइड मत करना बिल्कुल भी, इसी चीज को ध्यान से समझना कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सब कंप्लीट होना चाहिए बिफोर रिसीविंग योर बिफोर योर ज्वाइनिंग डेट, तो प्लीज आप लोग चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर प्रॉपर मेल आएगा। ठीक है, लाइक आपका बीजीसी सेट 1 सेट 2 सेट 3 का प्रॉपर मेल आएगा, एनसीआई मेडिकल सर्टिफिकेट एन एस आर ई ऑप्शनल आर एनेबल नाउ, तो आपके लिए जब भी ऑनबोर्डिंग मेल आ जाएगा उसके बाद आपका सेट 1 सेट 2 सेट 3 को लेकर प्रॉपर मेल आएगा, प्रॉपर गाइडलाइंस का मेल आएगा, कहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन कौन सा फॉर्मेट है, क्या है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग दे विल सेंड यू दिस काइंड ऑफ मेल, सो डोंट वरी। ओके, तो बहुत लोग पूछते हैं सर क्या मुझे मिला, मुझे नहीं पता प्रोसेस को लेकर, तो प्रोसेस जानना भी नहीं है आपको, वैसे वेट करो, वो आपको प्रॉपर मेल करेंगे, आपका सेशन वो कंडक्ट करेंगे फॉर योर इंटायर प्रोसेस। ओके, सो डरने की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग कंफर्मेशन है, वंस यू रिसीव योर ज्वाइनिंग लेटर आपका ज्वाइनिंग कंफर्मेशन का मिला है, इसमें वो लोग बोलेंगे कि आप लोग जो है कंफर्म करो कि आप लोग जो भी ज्वाइनिंग लेटर में डेट मेंशन किया गया आप लोग उस दिन ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो कि नहीं, अगर नहीं हो तो फिर बताओ क्या रीजन है, या फिर ज्वाइनिंग शेड्यूल करना चाहते हो तो आपका हम लोग ज्वाइनिंग बहुत मुश्किल से न्यू डेट दे पाएंगे तो फिर नहीं दे पाएंगे, तो ये आपका कुछ मेल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपका है वो वेलकम जो कि आपको ऑफर लेटर के बाद देखने को मिलेगा, मैं बता चुका हूँ, और ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, इनिशिएट करना है बीजीसी आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको स्टार्ट कर देना, आपका बीजीसी फॉर्म फिलअप करना, देन आपका अपलोड बीजीसी डॉक्यूमेंट एंड कन्फर्म द बीजीसी, आफ्टर दैट आपका ग्रीन शो कर जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर आप लोग पीडीएफ शो करेगा, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो फॉर योर कन्फर्मेशन। करेक्ट, तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट स्टार्ट सर्टिफिकेशन तो मैंडेटरी नहीं, नो कर देना दैट्स इट, और इन सारी पिन आप लोग जनरेट कर देना, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है एनएसआरआई को लेकर। ठीक है, मैंने वीडियो एडिट बना रखा, बाकी आप लोग जो भी है ये आप लोग कंप्लीट करना, ये बहुत मैंडेटरी गाइस। ठीक है, आप ये जनरेट कर लेना आफ्टर रिसीविंग ज्वाइन लेटर, आपको खुद से करना पड़ेगा, टीसीएस टीम आपके लिए नहीं करेगी गाइस। ठीक है, और ये आपका है डिजिटल वेरिफिकेशन प्रोसेस, आप लोग देख सकते हो जो कि IISRBJ जो कि आपका लोकेशन को ट्रैक करके आपको आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका सब कुछ बताया गया कि कैसे कैसे आपको जीपीएस ऑन करना है डिजिटल वेरिफिकेशन, है ना, तो आपको ये चीज कंप्लीट करना है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो, कुछ डाउट है पूछ लेना, मिलता है जय हिंद जय भारत।